अजमेर जिले में लगातार आ रहे कोरोना संक्रमण के केस के बीच आज एक अजमेर शेल्टर हाउस से एक खानाबदोश पुष्कर आ गया। उसके बाद पुष्कर में एक अफरा तफरी सा माहौल मच गया और तुरंत उपखंड अधिकारी देविका तोमर सहित तहसीलदार पंकज बड़गुजर, सीआई राजेश मीणा मौके पर पहुंचे हैं और साथ ही जो अस्पताल की टीम को बुलाया गया और तुरंत उसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट करने के बाद उसे अजमेर वापस भेज दिया गया है। साथ ही प्रशासन की ओर से एक मुहिम चलाई गई है, जितने भी खानाबदोश या भिखारी टाइप के जो लोग फुटपाथ पर अपना जीवन बसर करते हैं उनको तुरंत फुटपाथ से हटाया गया है और शेल्टर हाउस की ओर भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रशासन अब किसी भी तरह के जोखिम लेने के मूड में नहीं है और सभी तरह से अपनी तैयारियां पूरी करने में मुस्तैद है। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पारसर, स्वामी न्यूज। अजमेर के शेल्टर हाउस से फरार होकर रविवार को पुष्कर पहुंचने वाले खानाबदोश को चिकित्सा विभाग की टीम ने पुष्कर पुलिस की मदद से एम्बुलेंस में बैठाकर वापस अजमेर के लिए रवाना कर दिया। इसके साथ ही प्रशासन ने कस्बे में अलग अलग स्थानों पर सड़क किनारे अस्थायी रूप से निवास कर रहे साधु संतों और खानाबदोशों को समझाइश कर धर्मशालाओं में शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी। उपखंड अधिकारी देविका तोमर, तहसीलदार पंकज बड़गुजर, थानाधिकारी राजेश मीणा ने कस्बे में फुटपाथ और अलग अलग आश्रमों के बाहर निवास कर रहे खानाबदोश लोगों को संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए कस्बे की वैष्णव धर्मशाला में बने शेल्टर हाउस में भिजवा दिया। उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने साधु संतों और खानाबदोश लोगों को विश्वास दिलाया कि शेल्टर हाउस में उनके लिए खाने पीने और सभी तरह की सुविधाएं की जाएगी। प्रशासन की अपील के बाद कुछ साधु संत कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राजी खुशी अपना सामान समेटकर शेल्टर हाउस के लिए रवाना हो गए तो कुछ सामान बांधकर इधर उधर रवाना हो गए। आपको बता दें कि धार्मिक नगरी पुष्कर में देश के कई हिस्सों से आकर सैकड़ों लोग फुटपाथ पर खानाबदोश की जिंदगी व्यतीत करते हैं। दूसरी तरफ उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने एक बार फिर पुष्कर के लोगों को भरोसा दिलाया कि क्वारंटाइन सेंटर, शेल्टर हाउस या आइसोलेशन केंद्र पुष्कर में चिन्हित जरूर किए गए हैं लेकिन उनमें कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं लाया जा रहा। तोमर ने कहा कि कोरोना देश और दुनिया के लिए आपदा है, इसलिए सबको इससे मिलकर ही लड़ना होगा। कोरोना महामारी की इस जंग में जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स आगे आ रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों का भी इसमें बहुत सहयोग है। मैं पुष्कर की जनता से ये आह्वान करना चाहूँगी कि आप लोग किसी भी प्रकार के भय में ना रहें। क्वारंटाइन सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स, शेल्टर हाउसेज, ये सब एक प्रक्रिया है जो सब जगह करी जा रही है और पुष्कर को भी अपने शेल्टर हाउसेज, अपने क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर्स, सीएचसी की सारी सुविधाएं जो देनी है लोगों को या कोई इस तरीके की बीमारी में लड़ाई के लिए जो मुहिम हमने चलाई है उसके लिए हमें ढूंढने ही पड़ेंगे जगह और हमें क्वारंटाइन सेंटर्स रख करके बना करके एक अलग से हमें रिजर्व करके रखने ही है, वो हमने रख लिए हैं। आप लोग भयभीत ना हो किसी प्रकार से कि कोई बाहर से आ रहा है या कोई बीमारी आ रही है। बीमारी से हमें संयुक्त रूप से लड़ना है, इसमें अजमेर, पुष्कर, भीलवाड़ा, झुंझुनू कुछ अलग नहीं है, सब एक साथ ही है। आप सबसे एक अनुरोध है कि आप सब साथ दें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कोई डरने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। सेंटर्स चिन्हित अभी करे जा रहे हैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं ईडीए के, उनके द्वारा। तो अभी कुल संख्या अभी उनकी तरफ से ही चिन्हित की गई है जो कि पुष्कर के सिटी क्षेत्र के बाहर के सेंटर्स हैं जो रिजॉर्ट्स और मोतीसर रोड पे आप सीधे हैं और अभी पुष्कर सिटी के अंदर कोई चिन्हित नहीं किया। पुष्कर में तो इनके खानाबदोश का आने का कोई चांस है या नहीं मैडम जी, बता दें। नहीं, खानाबदोश अभी कोई इस तरह से पुष्कर में नहीं आ रहे हैं, परंतु जो हमारे यहाँ पे है उनकी हमें सुरक्षा रखनी है और आगे भी। हमने एसडीएम की सूचना पर हम लोग यहाँ आए, जो ये शक्तिदीप रेस्टोरेंट है इसके बाहर एक खानाबदोश टाइप का आदमी बैठा था जिसकी हमने स्क्रीनिंग करी। अभी स्क्रीनिंग में तो ऐसा कुछ पाया नहीं जा रहा है, फिर इसको हमने सैनिटाइज करा और सैनिटाइजर से इसके हाथ और पांव धुलवाए हैं। अभी इसका इंतजाम करते हैं कि इसको किसी शेल्टर हाउस में पहुँचाएँ। ये मैंने जानकारी हमारे एसडीएम साहब को दे दी है कि इसको शेल्टर हाउस में पहुँचाएँ। कहाँ से आना बताया गया है ये ऐसा कुछ क्लियरली बता नहीं रहा कि कहाँ से आया है, कि धमानी का रहने वाला हूँ, रेल पे काम करता था, इस तरह की बात कर रहा है, लेकिन कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि आया कहाँ।